हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको संस्कृत ग्रामर पढ़ाएंगे बेटा, शब्द परिचय। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। वर्णमाला में हमने आपको वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और उन भेदों का वर्णन पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। शब्द परिचय में हमारे टॉपिक है लिंग, वचन और पुरुष। आज हम पढ़ेंगे लिंग और वचन के बारे में। जैसे कि आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हो, लिंग यानी जिन शब्दों से किसी जाति का बोध हो, चाहे वो पुरुष जाति हो चाहे वो स्त्री जाति हो, उसे हम लिंग कहते हैं। वचन, जिन शब्दों से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जबकि हमारे हिंदी में केवल दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आज तक हमने केवल हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो शब्दों के बारे में पढ़ा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों शब्दों के बारे में। उसी प्रकार वचन, संस्कृत वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में हमने दो ही पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन। तो आज हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है लिंग। लिंग की परिभाषा, जो शब्द किसी पुल्लिंग या स्त्री या नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, किसी जाति का बोध कराते हैं, मतलब जिन शब्द से पता चलता है कि ये वर्ड पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, ये नपुंसक लिंग का है, वे शब्द हमारे लिंग कहलाते हैं। जैसे कि राम, राम एक अच्छा बालक है, तो राम जो वर्ड है पुल्लिंग में आता है। लेकिन बोलो कि राधा, राधा स्त्रीलिंग में आती है। फल बहुत मीठे है, तो फल नपुंसक लिंग में आता है। तो जिन शब्दों से किसी जाति का बोध होता है वे शब्द हमारे लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो जो शब्द किसी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, किसी जाति का बोध कराते हैं, इनमें से किसी भी जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जो पुल्लिंग, स्त्री, नपुंसक लिंग आदि का बोध कराते हैं वे हमारे शब्द कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में हमारे लिंग होते तीन प्रकार के, कितने तीन प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी में केवल दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग में आते हैं। अब संस्कृत पुल्लिंग में कौन कौन से पढ़ाते हैं, बालक, अध्यापक, पर्वत, वृक्ष, गांव, विद्यालय, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। माता पिता ही तो आते ही है, इसके अलावा आते हैं वृक्ष, गांव, है ना, ये हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसमें आते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इसमें आता है लता, बालिका, अध्यापिका, ठीक है, पिपीलिका मतलब चींटी, नदी, नदिया, ये आपके स्त्रीलिंग में आती है। सरिता, ये आपके स्त्रीलिंग में आती है। लता, लता मतलब बेबल लता, वो भी आपके स्त्रीलिंग में आती है। इस आपके किस्मा के स्त्रीलिंग में आते हैं। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग में आते हैं। तीसरा होता है नपुंसक लिंग, वर्ण या माइंड जो संस्कृत में होते हैं, वे शब्द जो ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं वे शब्द जो ना पुरुष जाति में आते हैं, पुरुष की श्रेणी में आते हैं, ना स्त्री की श्रेणी में आते हैं, तो नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है बेटा। वे शब्द जो ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं ना स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे हमारे नपुंसक लिंग वर्ण होते हैं। इसमें आते हैं आपके पत्र, पुष्प, है ना, कमल, ये आपके नपुंसक लिंग में आता है। नगर, ये आपके नपुंसक लिंग में आता है। तो जो वर्ड ना पुरुष जाति का बोध करा ना स्त्री जाति का बोध करा है वे वर्ण किस में आते हैं, नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है। पुनः रिपीट, पुल्लिंग, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग में आते हैं, जैसे राम, बालक, अध्यापक, पर्वत, वृक्ष, विद्यालय, विद्यालय। स्त्रीलिंग, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग में आते हैं, लता, बालिका, अध्यापिका, नदिया, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। नपुंसक लिंग, वे शब्द जो ना पुरुष जाति में आते हैं ना स्त्री जाति में आते हैं, तो उन शब्दों को स्त्रीलिंग, उसमें हम उन शब्दों को हम नपुंसक लिंग में लेते हैं, नपुंसक लिंग में बनाते हैं। तो वे कहलाते हैं आपके नपुंसक लिंग शब्द। इसके अंदर आते हैं पत्ते, पुष्प, नगर, फूल, ये सब किस में आते हैं। अब हमारा टॉपिक वचन। वचन यानी जिन शब्दों से किसी संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी संख्या का बोध होता है वे शब्द वचन कहलाते हैं।
ऐसे चार मेज, तो चार से बच गया यानी बहुवचन है। मेज कितनी हमारी चार है, दस कमरे दस बहुवचन है, दो अध्यापक दो जने तो द्विवचन है, एक विद्यालय तो एक एक वचन है तो एक वचन है। तो जिन शब्दों से जिनसे किसी संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी संख्या का बोध होता है वचन कहलाते हैं। वचन होते हैं तीन प्रकार के, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध होता है, केवल एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक है बालक, एका बालिका, एकम पुष्पम, तो इसमें केवल एक ही संख्या का बोध होगा तो वो एक वचन में आएंगे। द्विवचन जिसमें दो की संख्या का बोध होता है, दो संख्या का बोध होता है वो आपके द्विवचन में आते हैं। जैसे दो बालकों, द्वे बालिके, द्वे पुष्पे, ठीक है, द्वे पत्रे, तो उसमें दो की संख्या का बोध होगा तो द्विवचन में आएंगे। लास्ट है बहुवचन, दो से अधिक संख्या, मतलब तीन, तीन से अधिक, तीन चार पांच छह सब बहुवचन बनते हैं। दो से अधिक संख्या, दो नहीं दो से अधिक, मतलब तीन हो सकते हैं, दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। दो से अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। इसमें आएगा सर्वे बालिका, पंच बालिका, दस पुत्राणी, दस पत्राणी, तो ये सब किसमें आएगा आपके बहुवचन में आएगा, ठीक है ना। एक वचन में एक की संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, द्विवचन दो की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं, और बहुवचन दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। दो से अधिक बोलना है आपको, दो नहीं बोलना है, दो से अधिक, क्योंकि हिंदी में पढ़ते हैं हम दो या दो से अधिक, लेकिन संस्कृत में दो से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। मतलब उसमें तीन आना चाहिए और तीन से अधिक संख्या आनी चाहिए। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, ये आप किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है बेटा। लिंग और वचन इन दोनों टॉपिक को हमें फिर बुक में करना है और इसे लर्न भी करना है। समझ में आ गया। सबसे पहले संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं और लिंग भी तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, क्या होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और लिंग तीन होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, क्योंकि हिंदी में केवल दो होते हैं। तो आपको इसे लर्न करना है इसे और अपनी फेयर बुक में से करना है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।